फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो में मैंने ऐसे पौधे की वीडियो शेयर की हूँ, बल्कि सामने से पूरा प्रोसेस करके दिखाई हूँ, विद अपडेट शेयर की हूँ, जिसको आप कटिंग से आप चाहो तो बड़े गमले में लगा सकते हो और आप चाहो तो एकदम छोटे से, इवन घर के किसी कबाड़ में भी लगाओगे तो ये प्लांट ईजिली छोटे से पॉट में सालों साल सर्वाइव करेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आपका गार्डन एरिया बड़ा है तो आप बड़े गमले में लगाओ उन पौधों को। आपके पास स्पेस की कमी है, जगह की कमी है, तो आप उसको छोटे से डब्बे में लगा दो। ये सालों साल उस छोटे से डब्बे में इजिली समा जाएगा, रहेगा, तो गार्डन आपका, पौधा भी आपका, पॉट भी आपका। आप डिसाइड कर लो कि आपको उस प्लांट को किस में लगाना है, छोटे गमले में लगाना है, बड़े गमले में लगाना है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहिन, वेलकम बैक टू माई चैनल शाहिन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मजे में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो ये है पहला प्लांट और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपने श्योरली इस प्लांट को किसी बड़े गमले में ही देखा होगा आज से पहले। इनका नाम है ग्रैप्टोफिलियम पिक्टम और इनको कैरिकेचर भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है और इनके पत्ते के कलर अकॉर्डिंग टू द वेदर चेंज करते रहता है। कभी इसके पत्ते का कलर कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। इसको मैंने एकदम छोटू से गमले में डाला हुआ, एकदम छोटे से डब्बे में डाला हुआ और अब मैं इसको कबाड़ में भी डाली, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो प्लांट है बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। पहले मैं इसकी थोड़ी सी केयर बता देती हूँ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, इसके पत्ते के कलर चेंज होते रहते हैं और ये काफ़ी हाइट जाता है, काफ़ी हाइट, बड़ा बड़ा एकदम इसकी टहनियाँ होती है। बट मैंने इसको 6 मंथ्स से एवव होते जा रहा है, इसको मैं छोटे से, देख लो आप गमला का साइज कितना छोटा है, इस गमले में ही लगा के रखी हूँ। बहुत ही अच्छे से इस गमले में काफ़ी 6 महीने से ये हेल्दी है। बस जब बड़ा होगा तो मैं इसको कटिंग कर दूंगी, तो ये और अच्छा लगता है, बुशी लुक देता है। तो आपके एरिया अगर छोटा सा है, बालकनी है, तो आप इसको कटिंग करके छोटे से डब्बे में भी लगा के रखोगे तो बहुत सालों साल ये इजिली सर्वाइव कर जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसको कटिंग से आप इजिली लगा सकते हो। और इसकी केयर बताऊँ तो इसको पानी की नीड होती है, डेली इसको मैं पानी देती हूँ और सनलाइट इसको सुबह की 2-4 घंटे की धूप ही ज़्यादा देती हूँ, उससे ज़्यादा धूप इसको नहीं देती हूँ। और इस तरह से मैंने देखो इसको छोटे से गमले में तो लगा ही हूँ और साथ ही साथ मैं इसकी कटिंग को छोटे से कबाड़ में भी लगा रही हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत से लगने वाला प्लांट है जो कि कबाड़ में, छोटे से गमले में ईजी लग जाएगा। और आपको चाहो तो आप बड़े गमले में, आपका गार्डन एरिया बड़ा है तो आप इसको बड़े गमले में लगाओ, और आप इसको ज़मीन में लगाओगे तो काफ़ी बड़ा हाइट जाएगा, एक छोटा सा ट्री हो जाएगा, मतलब समझो कि। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको कटिंग से आप इजली लगा सकते हो। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इनको भी आप कटिंग से लगा सकते हो। इनको भी आप बड़ा गमला या फिर छोटा गमला जिसमें भी आप रखोगे बहुत ही खूबसूरत लगेगा। पहले मैं यहाँ पे बड़ा गमला दिखाती हूँ इसको, फिर मैं छोटा गमला भी दिखाऊंगी, फिर उसका अपडेट भी दिखाऊंगी, कैसे लगाई वो भी दिखाऊंगी। तो ये डेरेसिना है, डेरेसिना की बहुत ही प्यारी वरायटी। और आप गमले में देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, बड़े गमले का साइज देखो कितना बड़ा है। अब मैं इसका छोटा वर्जन, मिनी वर्जन दिखाती हूँ, ये देखो छोटा वाला। ये पॉट मेरा काफ़ी पुराना है, काफ़ी साल से मैं इसको लगा के रखी हूँ और देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें भी बड़े गमले में भी अच्छा लग रहा था और छोटे से पॉट में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने इसको कटिंग से लगाया था। इसको कटिंग से लगाना बहुत ही ईजी है। आप छोटा सा आप कहीं से इस अगर बड़े गमले में लगाते हैं तो इसमें बहुत ही जल्दी इसमें स्टेम निकल के आता है, उसको मैं लेखती हूँ। और एलोवेरा जेल है तो एलोवेरा जेल लगाओ, नहीं तो रूटिंग हार्मोन है तो रूटिंग हार्मोन लगाओ। बस उसको रूटिंग हार्मोन डाल के मैं इसको इस तरह से इंसर्ट कर देती हूँ। कुछ ही दिन के बाद इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ हो जाता है। और इसका केयर की बताऊँ तो इसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती, बहुत जब ऊपर का लेयर ड्राई होता तो ही पानी देती हूँ। और इसको पूरी सनलाइट में रखना होता है, फुल सनलाइट में बाहर ही रखना पड़ता है। अगर आप इसको इंडोर रखोगे तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है, तो इसको बाहर छोड़ दो, बारिश में भी छोड़ दो, तब भी ये मस्त रहता, खुश रहता। तो आपने दोनों देखा कि छोटा गमला में भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है और बड़े गमले में भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आपके पास एरिया बड़ा है तो आप बड़े गमले में आप बेस्ट लगाओ, अगर आपका एरिया छोटा है तो छोटे से पॉट में लगाओ, दोनों जगह खूबसूरत लगता है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट है फ्रेंड्स। और इसको कटिंग से आप इजली, एक बार आप कटिंग लेके आओ या फिर आप नर्सरी से ले आओ तो उससे भी इस प्लांट इजली बना सकते हो। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इस प्लांट को आप किसी पार्क वगैरह में हेज की तरह देखे होगे। इसका नाम है अल्टरनेंथ्रा, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है इनकी पत्तियाँ। और इनकी पत्तियाँ भी अपना कलर चेंज करती रहती है, जैसे जैसे आप इसको टेम्परेचर दोगे वैसे वैसे इसका कलर जो है, वेरिएशन जो है, चेंज होता रहेगा। और यहाँ पर मैं इसका रूट दिखा रही हूँ, इसको कटिंग से बहुत ही ईजी वे में लगा सकती। जो पहला जो आप देख रहे हो एक साइड में प्लांट रखा, उसकी कटिंग से मैंने ये तैयार किया और आपको मैं रूट दिखा रही हूँ। अब देखो कितना हेल्दी रूट, बहुत ही
इसका इसका जो रूट होता है ना बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर आपको रूट इसका मिल जाएगा। तो ये प्लांट कटिंग से बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है। तो आप इसको छोटे से डब्बे में भी लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इवन इसको हैंगिंग पॉट में भी बहुत सारे लोग लगाते हैं, तो हैंगिंग पॉट में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये अल्टरनेंथ्रा जो है ये अपने पत्ते के कलर चेंज करते रहता है। इसको बहुत तेज़ धूप में रखोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, और थोड़ा सा कम धूप में रखोगे तो इसका कलर चेंज होगा। तो इस तरह से ये अपना कलर चेंज करता रहता है। और इसको वाटरिंग की नीड होती है, मतलब एक दिन इनको पानी देना पड़ता है। और इसको सनलाइट, बहुत तेज़ सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा जब कड़ी धूप होगी, मई जून की जो कड़ी धूप होती है उसमें इसको थोड़ा सा इंडोर टाइप्स, मतलब वैसे जगह में रखना पड़ता है जहाँ पे सुबह के 2-4 घंटे की धूप आए। बहुत तेज़ धूप में इसकी पत्तियाँ बर्न होने लगती हैं और ये कटिंग से इजीली लग सकता है। तो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बड़े गमले में भी अच्छा लगता है, हेज में भी अच्छा लगता है, और इवन हैंगिंग पॉट में भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो मर्ज़ी आपकी, आप हैंगिंग पॉट में लगाओ, बड़े गमले में लगाओ, या फिर चाहो तो आप इसको हेज की तरह भी लगा सकते हो। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही तरह से लगने वाला, एकदम छोटे से पॉट में, जैसे कि मैं तो छोटे पॉट में ही लगाई हूँ, मैं तो इसका बड़ा वर्जन नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैंने, या फिर मेरा हेज नहीं है कि मैं हेज दिखाऊं। तो ये दूसरा प्लांट है, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और इनको भी मैं दोनों वर्जन दिखाऊंगी। ये मैं आप इसका बड़ा वे दिखा रही हूँ, बड़ा वर्जन दिखा रही हूँ, इसका नाम है मैक्सिकन मिंट। बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसको जब आप छूओगे तो इसमें अजवाइन की खुशबू आती है। इसके लीफ देखो, लीफ का साइज़ देखो बड़ा बड़ा है क्योंकि ये बड़े से गमले में है। और अब मैं इसका छोटा वर्जन दिखा रही हूँ, उसमें उसका लीफ का साइज़ देखना कितना छोटा छोटा सा है। और ये है छोटे से पॉट, एकदम छोटा सा जो दही आता है, शायद दही आया था इसमें, तो उसी में मैं लगा के रखी हूँ। तो देखो कितना बहुत ही जल्दी इसमें भी रूट डेवलप हो जाता है। मैं कहूँगी अगर 1 वीक के अंदर बोलो तो सही रहेगा, 1 वीक के अंदर ही इसका छोटी सी कटिंग आप ले आओ ना, तब उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। और अभी बारिश के टाइम पे तो बहुत ही जल्दी इसमें ग्रोथ होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी दिन से मैंने इसको भी लगा के रखा, और ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें पत्ते के साइज़ छोटे छोटे हो गए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब छोटा पॉट रहेगा तो साइज़ भी छोटा ही होगा। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट फाइकस, इनको भी मैं 2 वे से लगाई हूँ। एक तो आप देख रहे हो बड़ा गमला, अब मैं आगे आपको छोटा सा पॉट भी दिखाऊंगी। तो ये फाइकस भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और कटिंग से इजी लग जाता है। इसमें बहुत सारे वैरायटी आपको मिल जाएंगे, और इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि ये वाली वैरायटी की सबसे खास बात यह है कि इसको ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ती है, बस एक बार आप लगा दो और ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ती। और ये देखो इसका छोटा वर्जन, तो इसको आप 2 वे से लगा सकते हो, चाहो तो आप बहुत बड़ा ट्री की तरह दे सकते हो, और चाहो तो आप इसको छोटे से डब्बे में कबाड़ में, मैं तो कबाड़ के रसन, सॉरी केरासन नहीं, सरसों का तेल आता है उसमें लगा के, उस डब्बे में लगा के रखी हूँ। तो इसको बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है फाइकस। फाइकस की सारी वैरायटी बहुत अच्छी होती है, और ये वाली जो वैरायटी होती है ये बहुत ही हार्डी वैरायटी होती है, तो इसको भी आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और इसका नाम है डमकेन। डमकेन को भी आप 2 वे से लगा सकते हो। ये मैं आपको बड़ा वर्जन दिखा रही हूँ, मतलब बड़े गमले में दिखा रही हूँ। इसका साइज़, पत्ते का साइज़ आप देखो कितना बड़ा बड़ा है, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इनको कटिंग से लगाना बेहद ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आप इसको एक बार आप इसको ले आओगे तो एक कटिंग से आप पीसीओ प्लांट इजली बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसका छोटा वर्जन दिखा रही हूँ, और यहाँ पे देखो ये छोटे से गमले में, छोटे से वही जो आपको मैंने दिखाया ना मस्टर्ड वेल का केन, उसका दूसरा वाला पार्ट है, उसमें मैंने इसको लगा के रखा है। तो ये देखो ये छोटा सा कितना खूबसूरत लग रहा है, छोटे में भी अच्छा लग रहा है, बड़े में भी अच्छा लग रहा है। तो मर्ज़ी आपकी, आप छोटे में लगाओ या फिर आप बड़े में लगाओ, दोनों में ही बहुत ही खूबसूरत लगता है और कटिंग से इजली लग जाता है। स्टेम आपको छोटा छोटा पीस भी आपके पास स्टेम का रहेगा तो उससे भी आप एक प्लांट 2 प्लांट बना सकते हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत, और इसकी भी कोई केयर नहीं करनी पड़ती है, बस वाटरिंग टाइम टू टाइम। तो इसके लिए कोई सॉइल मिक्सचर मत बनाओ, बस प्लेन गार्डन सॉइल में लगा दो तो लग जाएगा। और ये खूबसूरत सा प्लांट है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल फ्रूट्स जो होता है वही है, उसको मैंने छोटे से कबाड़ में लगा के रखा है। इसको भी आप छोटे से डब्बे में लगा के रख सकते हो। जब आप छोटे से डब्बे में लगाओगे तो आपको जाहिर सा बात है आपको फ्रूट्स नहीं मिलेगा, आप इसको गमले में लगाओगे तो आपको फ्रूट्स मिलेगा। मेरे पास बड़ा वर्जन इसका नहीं है, छोटा वर्जन ही है, क्योंकि मैंने ये जूस वाले से इसका छोटा सा पार्ट ऊपर का मांगा था तो उन्होंने दिया। तो फिर मैं, बहुत दिन हो गया मेरे ख्याल से 2-3 महीना हो गया होगा, मुझे अप्रॉक्स याद नहीं है कितना दिन हुआ, तो ये मैं इसी डब्बे में लगा के रखी हूँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रोथ भी कर रहा है। तो एक छोटे से डब्बे में लगने वाला ऑर्नामेंटल की तरह मैं लगा रही हूँ, और इसको लगाना मैं बताती हूँ। उसको कटिंग से बहुत ईजिली लगाया जा सकता है। इसको पहले आप कटिंग लोगे ना ऊपर वाला पार्ट, तो उसको पानी में रख देना, पानी में रखोगे तो जब रूट अच्छे से आ जाएगा, बहुत ही जल्दी इसमें रूट आ जाता है, तो फिर आप इसको
सोयल मीडिया में दे देना। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इन प्लांट को भी आप इजी वे में लगा सकते हो डिवाइड करके। ये अगेव है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, एक बार आपके पास आ जाएगा तो इससे इतने ज़्यादा बेबी प्लांट्स निकल के आते हैं कि आप परेशान हो जाओगे। तो इतने ज़्यादा बेबी प्लांट निकल के आते हैं तो इतना ज़्यादा गमला कोई कहाँ से लेके आएगा। तो मैंने इसको दही का डब्बा में लगा के रखा है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको आप बड़ा सा आप गमला दोगे तो इसका जो पत्ती का जो टॉप होता है बहुत शार्प होता है। और आप मैं यहाँ पे इसको छोटे से लगा के रखी हूँ और इसका पत्ती का जो टॉप है बिल्कुल शार्प नहीं रहेगा, और ये मैं इंडोर ही रखती हूँ तो ये इस तरह का लुक आता है छोटे डब्बे में। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, छोटे में भी अच्छा लगता है और बड़े में लगाओगे तो बेसबात है, बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ हो जाता है और इसका टॉप जो होता है वो थोड़ा शार्प हो जाएगा। और बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको पानी की भी नीड बोलूँ तो महीनों महीनों उसको पानी ना दो तब भी ये चलेगा, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही हार्डी प्लांट है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इन प्लांट को भी आप कटिंग से एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो और इनको दोनों चीज़ में लगा सकते हो, बड़े गमले में भी लगा सकते हो और छोटे से डब्बे में भी लगा सकते हो। इस प्लांट का नाम है पान प्लांट, बेटल लीफ कहते हैं। तो मैं इसका अभी बड़ा वाला वर्जन दिखा रही हूँ जिसमें कि पत्ते के साइज़ भी बड़े बड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इनके पत्ते। और आप पान के शौकीन हैं तो आप डेली पत्ते लो और पान बनाओ और खाओ। अब मैं दिखाती हूँ इसका छोटा वर्जन जिसको मैं छोटे से डब्बे में काफ़ी दिन पहले, मतलब महीनों पहले मैं लगा के रखी हूँ, 2-3-4 महीना हो गया होगा। तो इसमें भी देखो कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो ये आप चाहो तो इसको आप छोटे से डब्बे में भी लगा के रख सकते हो, ये कोल्ड ड्रिंक्स का डब्बा है, उसको बस मैंने पेंट किया। आप चाहो तो पेंट कर दो, पेंट करने से थोड़ा अच्छा लुक आता है, बस आप ना चाहो तो मत करो। तो इसको छोटे से डब्बे में भी आप कटिंग लगा के रखोगे तो बहुत ही जल्दी इसमें ग्रोथ होता है और इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी लगती है, बहुत ही जल्दी। इवन आप इसको पानी में भी लगा के रखोगे तो इसमें बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाएगा, फिर आप इसको सोयल मीडिया दे देना। तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला, छोटे से डब्बे में भी लगने वाला, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, तो ये तो एक वेजिटेबल प्लांट है, इनका नाम है मालाबार स्पिंच। इसको बहुत ही अच्छा साग होता है, साग तो खाना चाहिए। और इसका डब्बे का साइज़ मैं देखो, वो जो मस्टर्ड वाल का केन आता है उसको ऊपर वाला पार्ट में मैं लगा के रखी, काफ़ी साल पहले, 1 साल से ऊपर होके जा रहा है। तो इसको मैं ऑर्नामेंटल की तरह ही इसको लगाई हूँ, तो मुझे इसके पत्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं, चमकीले चमकीले से। तो इसको भी आप कटिंग से भी लगा सकते हो और सीड से भी लगा सकते हो, तो एक छोटे से डब्बे में भी इसको आप, इसका भी हाइट काफ़ी अच्छा खासा जाता है आप ज़मीन में लगाते हो तो इसको बड़े गमले में भी आप लगा के आप इसको वेजिटेबल को खा सकते हो या फिर ऑर्नामेंटल की तरह लगा सकते हो, नहीं तो आप छोटे से डब्बे में भी लगा सकते हो। दोनों वे में ये खूबसूरत भी लगता है और आप चाहो तो आप खाओ बना के। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक ऑर्नामेंटल की तरह ही तो मैं लगाई हूँ, तो मैं ऑर्नामेंटल ही कहूँगी। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ही हेल्दी प्लांट बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इनका नाम है एलोवेरा। एलोवेरा बड़े गमले में भी लगा के रखो तो पूरा आपका गमला भर जाता है, और उसके बाद आप छोटे से डब्बे में भी लगा के रखोगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जब आप एलोवेरा, ऐसा है कि बहुत जल्दी जल्दी इसमें ग्रोथ होता है, बहुत जल्दी बेबी प्लांट्स निकलता है, तो इतना ज़्यादा गमला कहाँ से आएगा। तो इसको मैंने छोटे छोटे से, जब मैं इसको रिपोर्टिंग करती हूँ तो उसको जो निकलता है बेबी प्लांट्स को छोटे छोटे से पॉट में डाल देती हूँ, तो ये मेरे पास बहुत सारा हो गया, तो इतना गमला कहाँ से आएगा। तो इसको छोटे छोटे से पॉट में आप लगा के रख दो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसको कि आप छोटे से डब्बे में, छोटे से घर के कबाड़ में भी लगा के रखोगे तो मस्त चलेगा और देखने में भी बहुत क्यूट लगता है। छोटे से बालकोनी में छोटा छोटा सा डब्बा लगा हुआ तो बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही अलग लुक देता है। तो आप चाहो तो आपका गार्डन एरिया बड़ा है तो आप बड़े से बड़े गमले में लगाओ, अगर आपका गार्डन एरिया छोटा है तो आप छोटे से छोटे पॉट में लगाओ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। मेरी वीडियो तो यहीं पे होती है ख़त्म, अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो, आपका कमेंट जो होता है मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस होता है। फ्रेंड्स, ओके जी, बाय बाय बाय, फाना बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना।